हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से मजेदार जोक लेकर। अगर आप सबको पसंद आए मेरा जोक तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चलिए शुरू करते हैं। तो आलू, क्या हालचाल है तुम्हारा? मैं अच्छी हूँ मैडम, प्यारा सा आप एक जोक सुना दीजिए। तो चलो सुनाते हैं मजेदार जोक। जब मैं 12 साल का था तो 21 साल के लड़कों के पास गर्लफ्रेंड थी। जब मैं 12 साल का था तो 21 साल के लड़कों के पास गर्लफ्रेंड थी। अब मैं 21 साल का हूँ और 12 साल के लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है। अब यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुख मैं किसको किसको सुनाऊँ। एक बार शादी में एक खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की, मुझसे कहने लगी, क्या आप डांस करना पसंद करोगे? तो मैंने भी खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो लड़की बोला, तो फिर आपकी मैं कुर्सी ले जाऊं? फिर क्या ले जाओ। एक बार की बात है, एक भिखारी एक लड़की के घर जाता है और द्वार पे खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। तो लड़की बोलती है, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बेबी हूँ। तो भिखारी बोलती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बेबी। तो लड़की बोलती है, अरे मेरा नाम पूजा है। तो भिखारी बोलती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे पूजा बेबी। तो लड़की बोलती है, अरे बाबा मेरा पूरा नाम पूजा शर्मा है। तो भिखारी फिर से कहती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेबी पूजा शर्मा। तो लड़की बोलती है, घर में मुझे प्यार से एंजल कहते हैं। तो भिखारी कहती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेबी एंजल पूजा शर्मा। तो लड़की बोलती है, हम ये हुए ना बात, माफ करो बाबा घर में कोई नहीं है। तो फिर क्या हुआ? भिखारी बेहोश। जब एक बार एक लड़का का शादी हुआ तो नई नई शादी था तो पति ने अपने बीवी का नाम, मतलब फोन नंबर, इस नाम से सेव किया, माय लाइफ। उसके बाद 1 साल बाद उसने नाम बदल कर रख लिया, माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा, होम। उसके बाद फिर 6 साल बाद उसने फिर से नया नाम बदला, हिटलर। उसके बाद 11 साल बाद इन सभी नामों को साइड करके उसने फिर नया नाम रखा, पता है क्या? रॉन्ग नंबर। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।